थैंक यू सो मच अनुभा जी, आदर अभिनंदन आभार। मैं अनुभा श्रीवास्तव, विभाग अध्यक्ष मनोविज्ञान विभाग, श्री अग्रसेन महिला महाविद्यालय के प्रांगण में उपस्थित माननीय प्राचार्य प्रोफेसर जोन शुक्ला मैम, समस्त सम्मानित शिक्षक एवं शिक्षिकाएंगण एवं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे हमारे कर्मचारीगण, मैं आप सभी का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करती हूँ। सर्वप्रथम मैं माननीय प्राचार्य महोदया प्रोफेसर जुगल शुक्ला मैम को हृदय की गहराइयों से उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि हमें इतना, हम सारी टीचर्स को इतना सम्मान दिया, इतनी सुंदर पुस्तक भेंट की और ये निश्चित रूप से हम लोग बहुत ही इंटरेस्ट लेकर पढ़ेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बच्चों, मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि ईश्वर किसी भी टूटी हुई चीज का इस्तेमाल बड़ी ही खूबसूरती से करता है। जैसे जब बादल टूट जाता है तो बारिश होने लगती है, पानी के फव्वारे गिरने लगते हैं। जब मिट्टी टूट जाती है तो खेती होने लगती है और जब बीज टूट जाता है तो एक पौधा बन जाता है। इसीलिए कभी भी जीवन में यदि आप टूटा हुआ महसूस करें तो उस समय याद रखिएगा कि ईश्वर ऊपर वाला आपका इस्तेमाल किसी बड़ी चीज के लिए करना चाहता है। मैं आप सभी से मुझे पोएट्री का बहुत ही शौक है तो मैं कुछ पंक्तियां आपके सामने अभी प्रस्तुत करना चाहूंगी। ये मुझे बेहद ही पसंद है। प्यार करना है तो खुश देकर दुश्मनी करने के लिए लोग हैं, रहना है तो बच्चा बन कर रहे समझदार बनाने के लिए लोग हैं, भरोसा रखना है तो खुद पर शक करने के लिए लोग हैं, तू बस सवाल लेखों को आईना दिखाने के लिए लोग हैं, खुद की अलग पहचान बना भीड़ में चलने के लिए लोग हैं, अगर रखना ही है कदम तो आगे रख पीछे खींचने के लिए लोग हैं, अगर बनानी है तो यादें बना बातें बनाने के लिए लोग हैं, करके दिखा दुनिया को बस कुछ करके दिखा तालियां बजाने के लिए लोग हैं।